दुनिया इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी हुई जंग की गवाह बनी हुई है, लेकिन अब एशिया में एक नई जंग ने सिर उठा लिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भीषण गोलीबारी शुरू हो चुकी है, जिस वजह से हालात बेहद ही गंभीर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर जमकर गोलियां चली हैं। जंग की शुरुआत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा तोरखम बॉर्डर पर हुई, जिसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस गोलीबारी की वजह से तोरखम बॉर्डर सील कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। द खुरासान डायरी के हवाले से मिली खबर के अनुसार, नाम न बताने की शर्त पर पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सेना के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बेहद ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार तालिबान पर यह आरोप लगा रहा है कि वो अपनी जमीन से तहरीक तालिबान के आतंकियों को शरण और ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान भेजने का काम कर रहा है। टीटीपी लगातार पाकिस्तान पुलिस और सेना पर जबरदस्त हमले कर रहा है। कई जगहों पर पाक सेना और टीटीपी के बीच गोलीबारी हुई है, लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान लगातार ही पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर रहा है। तालिबान का कहना है कि वो अपनी जमीन से पाकिस्तान में आतंकी नहीं भेज रहा। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच तोरखम बॉर्डर फरवरी 2023 में सील कर दिया गया था। तोरखम बॉर्डर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे बिजी बॉर्डर माना जाता है, क्योंकि हर साल लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो करोड़ों का सामान यहां से गुजरता है। लेकिन इसके बंद होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रा पर बुरा असर पड़ता है, और ये फैसला तभी लिया जाता है जब दोनों देशों के बीच हालात गंभीर हो जाएं। ऐसे में मौजूदा जंग को देखते हुए इसके बढ़ने की ही आशंका है और तोरखम बॉर्डर के फिर से खुलने की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती।